ब्लॉग्स आज के दिन की शुरुआत आज लगी। मैं जा रही हूँ प्रगति मैदान, वहाँ लगी हुई है ब्यूटी एक्सपो। और जो लोग मेरी तरह फैशन फ्रीक हैं, ब्यूटी एक्सपो फ्रीक हैं, तो वो आज और कल लगी हुई है, 16th and 17th में लगी हुई है वहाँ पर ब्यूटी एक्सपो। आप वहाँ जा सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का टूर। दिल्ली में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे लग रहा है कि तवा जल रहा है कोई, और अगर हम ऐसे ही कोई बार एग रखेंगे तो वो ऑमलेट बन जाएगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे डांट भी थोड़ी बहुत पड़ रही थी कि इतनी गर्मी में कहाँ जा रही है। 4 कैब मेरी कैंसिल हुई है, तो लास्ट मुझे मतलब मुश्किल से एक ऑटो मिला है, तो आई एम गोइंग इन अ ऑटो। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, होप आज मेरा दिन अच्छा स्पेंड होए। ब्यूटी एक्सपो, अब पता नहीं एंट्री यहाँ से है कहाँ से है। तो जी ये एक्सपो लगी हुई है प्रगति मैदान में, और यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है। एंट्री हमारी हुई है गेट नंबर 6 से। इफ़ यू आर कमिंग बाय मेट्रो, तो मेट्रो से काफ़ी दूर है, या तो आप कैब से आइए या ऑटो से आइए। फॉर्म दे दिया भरने के लिए, फॉर्म भी अब रजिस्टर करवाएं। यहाँ पर हेयर स्टाइल का डेमो हो रहा है, तो उसका टेक्निक यही है। ये पहले मिलना चाहिए था मुझे, प्रोसीजर टाइम हो रहा है। जब मैंने अपना सलून बनाया था तो मेरे को काफ़ी चेयर वगैरह का ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, ये पहले मिलता तो पहले ही मैं यहाँ पर आ जाती। प्रगति मैदान आने का ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर याशिका मेकओवर्स हैं, ये ब्राइडल मेकअप्स कर रहे हैं यहाँ पर। ये इतने सुंदर ब्राइडल मेकअप्स किए थे, कैमरा में इतना पिकअप नहीं हुआ, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने ब्राइडल मेकअप करे थे। याशिका मैम खुद भी बहुत प्यारी लग रही थी, डॉल जैसी लग रही थी वो बिल्कुल, और वो अच्छे से हर स्टेप्स को एक्सप्लेन भी कर रही थी साथ के साथ। So as I've told you that we're running with 45% of discount on all. इस ब्यूटी एक्सपो में और भी डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे, जिनकी क्लासेस चल रही थी और ये फ्री में डेमो दे रहे थे आपको। लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग, आपका माइक्रो क्लिपिंग एंड गोल्ड में भी हमारे पास एक। ये बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, अतुल चौहान मेकओवर्स, इनका भी शूट चल रहा है यहाँ पर। ब्यूटी एक्सपो में आने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी डिस्काउंट में मिल जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे परचेज़ किए हैं और काफ़ी अच्छी, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पर लाइव डेमोज हो रहे थे, मज़ा आ गया मुझे तो आज। ये प्रोडक्ट्स फैशन कलर प्रोफेशनल से हैं, काफ़ी अच्छी रेंज थी। मुझे शॉपिंग मेरी हो रही है, पहले मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिला ये। सारी शॉपिंग करने के बाद अब बारी है घर जाने की। सुबह से शाम हो गई, टांगे मेरी थक चूर चुकी हैं लेकिन मज़ा भी बहुत आया। इट्स माई काइंड ऑफ प्लेस कि जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या नया आया है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत सारा डिस्काउंट था अलग अलग ब्रांड्स पे, तो मैंने उसका बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो जी शाम के 6 बज चुके हैं, सुबह की आई हुई थी मैं, नहीं सुबह की तो नहीं, अराउंड 1:30-2 o'clock के आसपास आई हुई थी मैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मुझे काफ़ी चीज़ें मिली, कुछ नई चीज़ें भी दिखी, एंड बहुत बड़े बड़े इंस्टाग्राम में जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका मुझे लाइव डेमो देखने को मिला, मेकअप देखने को मिला। एंड मैं घर जाके दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया। खूब सारे ग्लिटर्स वगैरह लिए मैंने। ब्यूटी एक्सपो सिर्फ 2 दिन के लिए लगी हुई थी, 16th and 17th May के लिए। तो अगर इस साल आपने मिस कर दी तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आ सकते हैं। जो कोई भी अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं या ब्यूटी से रिलेटेड उनकी फील्ड है, जिनके सलोन्स वगैरह हैं, तो उनके लिए मस्ट विजिट है कि ब्यूटी एक्सपो में आना। बहुत टायर्ड हो गई हूँ आज, मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग के लिए।
देखो मेरे हाथ की हालत, इतना कॉस्मेटिक था, इतना कॉस्मेटिक था, दिल कर रहा था सब कुछ खरीद लूं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी एंट्री होगी गेट नंबर 1 से, एंड जहां पर आप ब्यूटी एक्सपो लगा हुआ है हॉल नंबर 12 एंड 12 ए के पास में, वहां से वो शटल सर्विस आपकी चलती हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम वेस्ट उसमें हो गया, थोड़ा ये विजिटर पास बनवाने में टाइम वेस्ट हो गया, बहुत लंबा चलने वाला रास्ता था, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बच्चों को मत लेके आइएगा, और आप खूब सारा ट्रैवल कर सकते हो, पैदल चल सकते हो, तो यहां आने का बहुत फ़ायदा है आपको। बाकी आई एंजॉयड अ लॉट। तो जी रीच्ड होम, और चाय की चुस्की के साथ आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की। जी हैविंग माई टीथ एट दिस टाइम, 7 बज गए हैं, चाय पी रही हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या परचेज करके लाई हूँ वहाँ से। ये मैं कुछ लाई हूँ ग्लिटर्स 1, 2, 3, ये एक ब्रांड के हैं, और ये 1, 2, 3 ये अलग ब्रांड के हैं, ठीक है, में है। नहीं फ्री में नहीं है, पर्ल ने प्रैंक किया मेरे साथ। एक मैं लाई हूँ पाउडर पफ, ये भी बहुत रिक्वायरमेंट थी मुझे, रिक्वायरमेंट तो क्या, बस ये मैं लाई हूँ कुछ लिप शेड्स अलग अलग, कुछ न्यूज हैं, कुछ पिंक्स हैं, ये लिप शेड्स लाई हूँ मैं, और मैं लाई हूँ कुछ ये छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर, ये ब्यूटीलिशियस ब्रांड से लेके आई हूँ मैं। शॉपिंग तो मैंने थोड़ी सी बहुत सारी की थी, घर में आके लग रहा है मैंने कुछ नहीं लिया। ये मैं लाई हूँ एक राउंड ब्रश, ये बहुत रिक्वायर्ड होता है, मेरा थोड़ा पहले वाला थोड़ा ख़राब हो रहा था, इसलिए ये राउंड ब्रश। इसी के साथ हमारी सारी शॉपिंग ख़त्म होती है। आई होप ये आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, जिनने मुझे अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो यार, थोड़ा बूस्टअप मिलता है, और मेरे लेटेस्ट रील भी देखना, मैंने अभी बहुत अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट करे थे। जो लोग भी अपना सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल मेकअप सीखना चाहते हैं, वो मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मेघा बिंद्रा मेकअप्स, सॉरी इट्स मी मेघा बिंद्रा, फेसबुक का पेज है मेघा बिंद्रा मेकअप्स, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं फ्रीलांसिंग मेकअप भी करती हूँ।